हाय गाइस, बी टाउन हब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे लाहौर 1947 मूवी से जुड़ी कुछ लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि हमारा वीडियो अब तक पहले पहुंचे। तो चले दोस्तों, बिना देखते हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, इन दिनों सनी देओल अपने फैंस के बीच बहुत ही छाए हुए हैं और एक के बाद एक वो गुड न्यूज देते रहते हैं। सनी देओल और आमिर खान और राजकुमार संतोषी की मूवी लाहौर 1947 की अनाउंसमेंट तो हो चुकी है, आप सभी को पता है। और इनकी रिलीज डेट को लेकर अभी बड़ी जानकारी सामने भी आ गई है। बॉलीवुड एक्टर सनी देओल ने साल 2023 में मूवी गदर 2 से सिनेमा घरों में धमाल मचाया था। इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई की थी और अब एक बार फिर से सनी देओल सिनेमा घरों में धमाल मचाने के लिए आ रहे हैं। इस बार वो फिल्म लाहौर 1947 मूवी में दिखाई देने वाले है। पिछले साल अक्टूबर के महीने में सनी देओल की मूवी लाहौर 1947 मूवी बनने की अनाउंसमेंट हुई थी और अब इस मूवी की रिलीज डेट की जानकारी सामने आई है। ये एक एक्शन ड्रामा मूवी रहेगी। इस मूवी में सनी देओल के साथ प्रीति जिंटा अहम रोल में नजर आएगी और इस मूवी में आमिर खान भी कैमियो रोल करते हुए दिखाई देंगे। आमिर खान और राजकुमार संतोषी की इस मूवी की रिलीज डेट को जो अपडेट आया है उनकी बात की जाए तो ये मूवी 26 जनवरी 2025 यानी कि गणतंत्र दिवस के दिन सिनेमा घरों में दस्तक देने वाली है। इस राष्ट्रीय पर्व पर सनी देओल बहुत ही बड़ा धमाका करने वाले हैं। संतोषी की मूवी की रिलीज का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। फिल्म की शूटिंग लगातार जारी है और इस फिल्म की शूटिंग जून तक खत्म हो जाएगी। सनी देओल और प्रीति के अलावा इस मूवी में शबाना आजमी और मोना सिंह भी मुख्य किरदार निभा रहे हैं। इनके अलावा विलन की भूमिका में अभिमन्यु सिंह नजर आएंगे। अली फजल भी फिल्म में दिखाई दे सकते हैं। और इस मूवी में कयास लगाया जा रहा है कि सनी देओल के बेटे करण देओल भी नजर आने वाले हैं। करण इस मूवी में जावेद के किरदार में नजर आएंगे। तो दोस्तों, आप ये लाहौर 1947 मूवी देखने के लिए कितना इंतजार करें हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। और आगे इस मूवी से जुड़ी और भी लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए बी टाउन हब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।